मकर संक्रांति का दिन था है और पूजा चालू है। घर में एक हवन है जिसके अंदर प्रेम भैया को और देविका को बैठना है, क्योंकि देखा जाए तो अभी देविका ही प्रेम भैया की वाइफ हैं और सिमर भाभी को बहुत टाइम बाद अपनी याददाश्त उन्हें वापस मिली है। तो हम लोगों ने उनको यही कहा है, उनको पिछला कुछ याद नहीं है, तो हम लोगों ने उनको यही कहा है कि आप बेहोश थे और आपके लिए हमने मन्नत मांगी थी, मैंने और खुशी ने, कि आप जब ठीक हो जाएंगी तो हम आपके लिए मंदिर जाके दान प्रदान करेंगे। तो वही ये चंक चल रहा है कि जहाँ पे हम घर में माता जी ने हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि मैं और खुशी सिमर भाभी को मंदिर लेके आएं और घर के अंदर, ताकि वो हवन हो सके जहाँ पे हमें सिमर भाभी नहीं चाहिए। तो इसलिए ये बहाना है मंदिर आना, घर के अंदर हवन होना है। सी ये है कि जितना टाइम लग सके बाहर उतना अच्छा है घर वालों के लिए, ताकि वो हवन घर में कंप्लीट हो सके। और यहाँ जैसे ही हम लोग आए हैं तो कहानी उल्टी हो गई है, पंडित जी ने भांडा फोड़ दिया है कि नहीं नहीं पूजा का टाइम मुहूर्त जो है वो सिर्फ 3 बजे तक का है और माता जी ने ये कहा था कि मुहूर्त 4 बजे से शुरू है। तो अभी सिमर भाभी भागो भागो कर रही हैं और हम उन्हें यहाँ पे रोकने के लिए खड़े हुए हैं कि नहीं नहीं भाभी चलते हैं, अभी चलते हैं, पूजा कर लेते हैं, विधि बीच में नहीं छोड़ सकते। दिस इज़ अ टफ क्वेश्चन यू आर आस्किंग। नेक्स्ट मूव तो नहीं पता, बट यस हम लोग जैसे अभी तक हम लोगों ने यूनिटी बनाकर पाताली को भगाया है, वैसे हम लोग सोचेंगे अभी वापस कि क्या करना है पाताली को, किस तरह से अब हमें उसका सामना करना है। तो वो चीज़ अभी हमें भी देखनी बाकी है।